Nu, două de însă, dar eu... Acum, jobă să ani se sărbă. Suicide bombing, firing, this kind of incidents hai. Army, FC, police, sab ne isko face kiya hai aur hamari shaante bhi hui hai is saal. Lekin Infosys ne badi jurat se in sare halaat ka muqabla kiya hai aur abhi tak kar rahe hain inshaallah aur is umeed pe hain ki bilkul isko hum Loralai ke jaise puraman ilake ko inshaallah wapas iske jo इस साल से पहले जो हालात थे पुरसकून उस पर लेके जाएंगे. तो ये चूँकि बलूचिस्तान की और ख़ासतौर पर इस एरिए की एक बड़ी पिकुलियर सी जियोग्राफिक लोकेशन है, उसका भी इसमें असर है. तो सी टी डी हमारी यहाँ पर मौजूद है Loralai में और वो भी इस सिलसिले में काम कर रहे हैं विद ऑल द अदर एजेंसीज. बहुत क्लोज कोऑपरेशन के साथ काम कर रहे हैं एक टीम की हैसियत से. एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, एफसी, लेवीज, ये सारे एक टीम की तौर पे काम कर रहे हैं और इसमें हमें बड़ी कामयाबियां भी मिली हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये कामयाबियों का सफर जारी रहेगा. सर, ये भी बता दीजिए Loralai शहर जो है इसमें आपके थाने कितने, आप पुलिस की नफरी थाना हमारा तो इस वक्त Loralai में एक ही इसकी 15 किलोमीटर है जिससे 15 किलोमीटर का रेडियस है सर. जी 15 किलोमीटर जिस तरह है म्यूनसिपल लिमिट्स की इसकी ज्यूरिसडिक्शन है और एक थाना है, एक दूसरा हमारा इरादा है बनाने का. फिलहाल एक सदर कहते हैं इसको, सिटी ऑफ थाना सदर, थाना सदर कहलाता है और वही हमारी इसमें इस वक्त मौजूदगी है. लेकिन इसके बावजूद हमने इसमें बलूचिस्तान कॉन्स्टेबलरी की भी प्लाटून डिप्लॉय की हुई है हालात के पेश नजर. इसमें हमारा ATF की डिप्लॉयमेंट है, हमारी एंटी टेररिस्ट फोर्स है वो मौजूद है और उसके अलावा CTD का जिस तरह मैंने बताया कि पूरा रीजनल ऑफिस यहाँ पे बना हुआ है. लेकिन पुलिस स्टेशन की हद तक वो एक हमारी जो ज्यूरिसडिक्शन है वो 15 किलोमीटर की एक ही पुलिस स्टेशन की हद में है. ये सर, क्वेटा के बाद दहशत गर्दों ने Loralai को टारगेट बना लिया है, आपके फोर्स भी उसमें शहीद भी हो रहे हैं, तो मजीद इस किस्म के क्या इकदाम आप उठाएंगे, इनकी नफरी की कमी या कोई एमुनेशन का मसला, ताकि जो अगर दोबारा दहशतगर्दी के वाक़ होते हैं तो उसकी रोकथाम हो सके. देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि क्वेटा के बाद इस साल के शुरू से Loralai टारगेट है और जैसे कि इसकी मखसूस जियोग्राफिक लोकेशन है वो उसमें भी इसका कुछ असर है. जहां तक फोर्स का ताल्लुक है हमने काफी इसको बिल्टअप किया है और मैं पिछली उसमें बात करना भूल गया था, जो हमारी ईगल स्क्वाड उसकी जब ये यहां पर जरूरत महसूस हुई तो हमने यहां पर एक पूरा 40 लोगों का ईगल स्क्वाड का क्वेटा से बमा अपने तमाम इक्विपमेंट के उसका पूरा दस्ता प्लेस किया हुआ है और ये जो रिसेंट वाकया हुआ है वो ईगल स्क्वाड ने ही उसको नाकाम बनाया है अपनी जान पे खेल के, जिसमें कि एक हमारे जवान ने शहादत हासिल की है और 4 लोग जख्मी हैं. तो शहर को एक बड़ी तबाही से बचाया है. वो मौजूद है यहाँ पे. फिर तावन से, FC के तावन से, एडमिनिस्ट्रेशन के तावन से जो CCTV कैमराज का पूरा नेटवर्क इस शहर में लगाया गया है वो भी देखें कि क्वेटा के बाद या चमन के बाद ये नेक्स्ट स्टेशन था जिसपे कि ये तावन से पुलिस के और FC के और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के तावन से एक पूरा कंप्लीट CCTV नेटवर्क जिसका कि कंट्रोल DPO ऑफिस में है वो लगाया गया है. सो ये सारे जो इकदाम किए गए हैं ये इस साल के शुरू से जब से ये मामला यहाँ पे थोड़े से खराब हुए हैं तब से ये मामला जो सारे एक्शन उठाए गए हैं वो इसी तनाजर में उठाए गए हैं इसी को सिक्योर करने के लिए. इसमें हमारी काफी नफरी मौजूद है मेरे ख्याल में, कोई ऐसा नफरी की हद तक या इक्विपमेंट की हद तक हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है.